हमारे घर में वैष्णवी और रोहित आ रहे हैं। तो गाइस आज इसके साथ एक और अच्छी चीज है। ओए लखनीत, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। सुबह सुबह हम अपने डूची की मसाज कर रहे हैं, डूची की मसाज कर रहे हैं। हेलो हेलो कर दे भाई। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग कर दे। हमारा सुस्ती देखो कहाँ पे लेटा हुआ है यार। वो वैसे वो बहुत कम ऐसे लेटता है क्योंकि उसमें बिल्कुल नीतू वाले गुण है। हमारा ये है सुस्ती तो, और ये एकदम दीदी पे गया है। दीदी मसाज कर, तुझे क्या बताया मैंने सुबह सुबह? डूची की मसाज। हाँ मसाज कर दे। करना मसाज तो कर। नो नो क्या कर रही है? सही से। हाँ अब डूची कह रहा है ये अच्छी बुआ है। कितने प्यार से लेट गए। देख नहीं, देख कैसे मसाज करा रहा है उससे। तो जो जो लोग भी यहाँ पे आगे जल्दी जाकर अटेंडेंस लगा दो, यस सर लिख दो और लाइक कर दो। आप लास्ट तक तो भूल जाते हो इसलिए आपको शुरू में ही रिमाइंड कराना पड़ता है। लड़ रही थी मेरे से। क्या हुआ? लगन को लग रहा है कि मुझे हाँ हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, लेकिन मैं एक्सरसाइज करती हूँ। पूछने कैसी रहे? आज मैं एक्सरसाइज कराता हूँ, ठीक है? हाँ तुम्हारी नाक गिरी मेरे फेस में क्या? दीदी दीदी को बचा रही, छोड़ो। क्या हुआ? अच्छा एक्सरसाइज कर रही है? मेरे हाथ तो मत मोड़ो, कम से कम हाथ नहीं मोड़ो, मेरे हाथ छोड़ो। हाँ तुम डरते क्यों मेरे हाथ से? देखो मेरा हाथ पकड़ लिया ताकि लगन पिटे ना। पिटने का डर? अपनी पत्नी बीवी से पिटने का खौफ क्या होता है? ऐसा नहीं छूटेगी। क्या हुआ? यक्ष कुमार बनने यक्ष कुमार नहीं करता, सिर से सिर मार देता। लगन एक मिनट ऐसे रहने देना। दोनों भाई बहन बेकार है। क्या हुआ? अभी तक एक्सरसाइज हो रही थी। मोटा अभी तक एक्सरसाइज हो रही थी। ए रुक मैं गिर रही हूं। हिम्मत कैसे मुझे गिराने की? आ जा ये आएगा फिर पिटाई देंगे। गाइस बताओ मार दूं इसको? देख देख कम ऑन। फिर मैं हटाऊंगा तेरी लग जाएगी। मैंने बोला जो आपको देख हटाऊ तेरे को नहीं। अब 3 घंटे में तो अपना फट जाएगी। थ्री चमचे ये भी पूरा साथ दे रहा। देख इसको देख इसको। छोड़ो मेरे भाई। हाँ छोड़ो मेरे भाई। भाई भाई ने मुझे पकड़ा तब तो आपने कुछ। अरे हट जा रुक जा, तेरा तेरा भाई तो अपने छूट जाएगा। रुक 3 2 इसको देख इसको, ये भी साथ दे रहा है। हटा दे। हाँ बे नीतू के चमचे। चमचे मैं तो ये रख दूँ सामान के। आई लव यू चमचे। ओ चोर तू क्या कर रही है? हाँ ले जा अपना चार्जर, कोई तेरे चार्जर का भूखा नहीं हूँ मैं। जा बाय। क्या लो अरे मेरा ये राम नाम जपना पराया माल अपना जाए से। पर क्या ये ले ले तू, अगर तेरे को आ जाए तो तू पूरी आ जाएगी इसमें। कहीं जैसे मैं नहाने के लिए रेडी हो जाता हूँ ना, मुझे लगता है कोई शक्ति मेरे को खींच रही है कि बेटा लखन मत नहा। लखन बेटा नहाना मना है। ऐसा आपके साथ होता है नहीं होता मुझे जरूर बताना। मुझे अब नहाने का मैं कम से कम पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ बट हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। जबकि अब तो मौसम भी ऐसा है कि बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों। और इस शक्ति का नाम है आलस जो मेरे को नहाने नहीं देता। मैं नहा लिया हूँ और अब मुझे प्लान करना है। मैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ नीतू को, जो कि होगा हम अपनी एनिवर्सरी पर एक शॉर्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं। इतना हिंट दूंगा, पहाड़ों पे जा रहे हैं हम लोग और वहाँ पे कोई बहुत स्पेशल इंसान हमें मिलेगा, उसी की मैं पूरा प्लान बनाने वाला हूँ अभी। वाह यार ये क्या तरीका है सोने का। गुड। सो गाइज आपने कल के ब्लॉग में देखा रोहित और दुल्हनिया की एंट्री हुई है घर में और आज हम उसका वेलकम करने वाले हैं वैष्णवी का। वैसे उनके आने की तारीख आज थी वो एक दिन पहले आ गए, इट्स ओके। तो आज उसके वेलकम के लिए मैं और दीदी जा रहे हैं वो शॉपिंग करने वैष्णवी के लिए और नीतू यहाँ पर सब खाना वाना बनवाएगी। चले पैसे पता है ये मना भी कर सकती थी पर ये मैं सीधे उसके आगे कैमरा ला के रख देता हूँ। चल मैं ना जा तो यार इतनी अच्छी है मैं क्या करूँ। क्या नीतू तू चलेगी? तुम लोग जाओ क्योंकि मैं डिनर की तैयारी करवाऊंगी। ओके ठीक है चल कंजी तैयार हो। 5 मिनट नहा ले। अरे यार शिट गाइस, एक तो इसके पास सनस्क्रीन ऐसी है ये वाली जो लगाती है ना, और भाई इसने एक दिन मेरे लगाई थी
और पहली सनस्क्रीन है जिसे लगाने के बाद मुझे लगा कि वो टैनिंग होगी। सनस्क्रीन ही टैनिंग कर देती है तो आपको टैनिंग का पता ही नहीं चलेगा। सो गाइज, ये है हमारा आज का लंच। तीन सब्जियां, पहली सांभर जो मैंने बनवाया नीतू को बोल के, दूसरी राजमा जो कि नीतू ने बनाया है अपने आप, और तीसरा ये क्या है, मेथी मटर। अच्छा, वो जो मैंने उस दिन खाई थी, अरे बड़ी टेस्टी थी। तुमने बनाई आज भी? आज मैंने बनाया, उस दिन उधर से आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, पूनम बहन के घर से आया था उस दिन। तो पूनम बहन खाना स्टार्ट करो यार, मेरे घर पर राजमा बने। ओके, शो ऑफ मत कर, आई समझ, हम भी राजमा खाते हैं, आई समझ। ले भाई ले, मैंने इसको कर दिया है, तू तो अपनी प्लेट में कर लिया, मतलब भाई भूखा रह जा, कोई टेंशन नहीं है, बस तैयार होकर बैठ गई है। गाइस, अभी मैंने इसको बोला था, हम वैष्णवी के फ्रेंड जा रहे थे ना, मैंने उसको बोला तैयार हो जाओ, उसका मैं इसके रूम में गया भाई, रेडी होके मतलब ऐसे चश्मा चश्मा लगा कर बेड पे बैठी हुई है, बस जूते उतारे हुए थे तूने। तो गाइस, मैं और दीदी दोनों जा रहे हैं मॉल में शॉपिंग करने के लिए। क्या पानी कोटा लेके चलते साथ में? और इतने में हमने देखा हमारे घर में एक गेस्ट आया है, गेस्ट आया, गेस्ट का पहचान, हां भाई चलिए चलिए। इसकी एक बहुत पुरानी रील है जिसमें कह रहा है प्यार की हुस्त बड़ी जवानी, हमारा छोटा आया है और छोटा खुशखबरी लेके आया है। हाँ, क्या खुशखबरी अपने आपसे सुना दे। मैं अपनी शादी का कर देना। अरे ऐसे कर दे नहीं, कई लोग पहुंच जाएंगे छोटे, वहां सब जाने दो, देख लिए। हाँ। ये दिल बड़ा चाहिए, बहुत अच्छे। तो छोटे अपनी शादी का कार्ड देने आया है और छोटे को एक गिफ्ट हमारी तरफ से, ठीक है? वो गिफ्ट मैं कैमरे पे नहीं बताऊंगा, वो ऐसे करूंगा, ठीक है? चल, समथिंग में तो चल रहा हूँ, पर 19 साल के समथिंग हो जाएगी, ये समथिंग जरूर, लगातार चीज में 19 साल के समथिंग हो जाएगी। चल तो ठीक है भाई, हम जरूर आएंगे तेरी शादी में, ठीक है भाई, पक्की बात। चलिए आज छोटे कार्ड ले गया, बहुत अच्छा लगा। सो गाइज, मैं और दीदी निकल गए रोहित, यहाँ कैमरा है ना, रोहित की वाइफ के लिए वो लाने के लिए, क्या बोलते हैं, गिफ्ट लाने के लिए, और मुझे अपना भी एक दो चीजें लेकर आने, क्योंकि ट्रिप पर जा रहे हैं हम लोग। सो लेट्स गो, ला ऐसे कर। बहन मुझे पता, तू पहली बार मॉल आ रही है, आजा सामने है, वहां से हम वैष्णवी के लिए बैग लेंगे कुछ। तेरे को लदेड़ में एक तो लेकर आया अपने साथ, ऊपर से काम पे ध्यान नहीं है, इधर से उधर मुंह मटकाई जा रही है। चल तू वहां जा रही थी जहाँ से तेरे को शॉपिंग करनी होगी। अच्छा, शरीफ बहुत है वैसे तू यार। वाह, ओके यहाँ से लेते हैं वैष्णवी के लिए बैग हम, बहुत अच्छी लग रही तू तो यार। बहन इधर तो देखा, तेरे लिए थोड़ी ना ले रहे हैं, तू क्यों इतने अलग अलग उससे देख रही है, पोजेस बना बना के। हमने अपना पहला जो काम था वो सक्सेसफुली कर लिया है, वैष्णवी के लिए हमने कुछ ले लिया है, क्या लिया है वो आप देखोगे घर जाके। और दीदी ने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, मुझे जाना अपने साबुन लेके आने पहले। मैंने तो बिलिंग करा, मैं आता हूँ, ठीक है? ओके, तेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ मैं, बाय, टेक केयर। सुबह जब हम आए वैष्णवी के लिए कुछ सूट लेने के लिए, साड़ी नीतू ने ऑलरेडी ले ली है दीदी की पसंद, दोबारा से इतना सारा सामान हम ले चुके हैं ऑलरेडी। कलर ठीक है, मैं बताता हूँ कौन सा, ऑफ कैमरा। इसको देखो, दो घंटे हो गए इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ क्या हो गया? अच्छा एक बात सुन, हम लोग अभी एडिडास पर आए क्योंकि दीदी का कहना है रोहित के लिए हम शूज ले लेते हैं और एक कॉट सेट ले लेते हैं उसके लिए। ले ली सर, उसके लिए मैंने शूज ले लिए, कॉट सेट ज्यादा से लेंगे। तेरे को अपने लिए कुछ पसंद आया? हम ट्रिप पे जाने वाले हैं, इतना फन होने वाला है, वहाँ कुछ पसंद नहीं आया? फिर तो कुछ नहीं हो सकता बहन तेरा, वाइब मैच नहीं कर रही तेरी। गाइस मैं हर जगह दीदी को खड़ा कर देता हूँ लाइन में, बेचारी को देखो पेमेंट करे जा रही, सबको ये नहीं पता कि मेरी ट्रिक है। तो गाइस जैसा कि आपको पता है हमारे घर में वैष्णवी और रोहित आ रहे हैं, इसीलिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं उनको वेलकम करने के लिए, और उसी की तैयारी मैं और पुनीत लगे हुए हैं, उसी की तैयारी में। और सैंडी भाई, सैंडी सैंडी की थोड़ी तबीयत खराब है, तो जा पुनीत, क्या लेकर आना तुझे? फूल लेकर आने और बलून लेकर आने। हाँ, तो हम बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत करने वाले, खाने के लिए बोलते पूनम दीदी को, वहाँ पर वहाँ से भी कुछ बनवा लेंगे। अच्छा वो तो कुक यहीं आएगा आज, तो हमारे पास तीन चार कुक आएंगे ताकि अच्छा अच्छा खाना बने। ए भाई रोहित से पूछ लो उसके पसंद का क्या है, वैष्णवी को क्या पसंद है। नहीं फिर अगर बता देगा तो फिर हमारे घर पर गेस्ट क्या हुआ तो उसकी वो बनेगी, जो हम के लाएंगे वो बनना चाहिए, खाना चाहिए। गाइस ये बात अच्छी बोली या नहीं मुझे कमेंट से बताना, बाकी हम बिल्कुल भी स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और हम बहुत ही अच्छा स्वागत करेंगे दोनों का। तो बस यही है कि बस यार सब कुछ हमारा आज शाम में सब कुछ अच्छे से हो जाए, और हम यही चाहते हैं। मैं सेंट भाई दोनों जा रहे हैं, ठीक है? उसको दवाई भी दिला लाना, चलो सेंट भाई। और यहाँ पर मेरा ब्राउनी जो बच्चा है वो मम्मा के साथ निन्नी कर रहा है ना। हमारा घर डेकोरेट हो रहा है अब, मैं भी रेडी हो जाती हूँ, सुनीदी और लखन भी आ गए हैं तो शॉपिंग करके, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है यार कि फर्स्ट टाइम हम किसी का वेलकम करने वाले हैं, है ना दीदी? तो मेरा भी नहीं आ रहा था जब मैं आई थी। क्यों, आपकी शादी हो गई है यार? अच्छा बात तो मेरा जाने का करोगे ना। हाँ गुड बाय है पुनीत, हम पहली बार किसी का वेलकम कर रहे हैं। खाना वाना कुछ नहीं है, नीचे नीचे हम तो नीचे बैठ लेते हैं ना। और अभी तो सुधीर का भी वेलकम होगा, है सुधीर? भैया मैं तो खाने के लिए। तेरा भी तो वेलकम होगा जब तेरी वाइफ आएगी भाई, पुनीत ऐसे सुधीर का भी करना है। सुधीर का नहीं, सुधीर की वाइफ को करेंगे, छोटी सी बच्ची का। अब फटाफट दोनों की दोनों झने लग जाओ काम पर। तीसरे भैया कहाँ हैं? आ रहे, क्या क्या बनाना पता है बताओ?
कबाब हमारे फेवरेट भैया कबाब बहुत अच्छे बनाते हैं और पागल है तू जल्दी बताओ और नूडल्स बना देना पर मैं तो खाने पाऊंगा मैं तो जा रहा हूं रखे नहीं गाइस देख रहे हो खाने का नतीजा है गाइस शॉपिंग अपनी डन हो गई आप निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ दीदी को उधर बिठा दें क्योंकि मेरे को कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स लेने हैं इस कैमरे से जो कि लगा के छोड़ दिया था मैंने आपने हमारे आते टाइम के देखे थे वो इसी से हमने कैप्चर किए थे और दीदी को पीछे बिठा दें इसी बारे में भाई इसने ना वाटर का वो लगा रखा है अलार्म फोन में अलार्म बजते हैं और फिर मैं पूछता हूँ किसका अलार्म है तो कहती है पानी पीने का रिमाइंडर है मतलब पानी पीने के लिए भी रिमाइंड कराना पड़ेगा मंद बुद्धि तो तू अलार्म लगा रही है भाई मैं नहीं कह सकता इसमें कुछ भी आप लोगों को सीखनी है चीज़ तो सीखना 45 मिनट्स में मेरा अलार्म बजता है सही है सही है भाई तेरा सही सिस्टम है अच्छा है कि अभी मॉल से निकले नहीं हमारी बहन को याद आ गया है कि इसका चश्मा अंदर ही रह गया है चलते चलते रुक जब इस गेट से चलेंगे एंट्री करके इसको बंद कर देता हूँ वैसे ये भी बहुत अच्छी बात है इसको यहीं पर याद आ गया क्योंकि इसको घर पे भी याद आ सकता था बहन अलार्म तो गलत चीजों का लगा रही है इन चीजों का लगा चल चलो भाई हाँ ना मैं हूँ तो इधर ही रहना है ना आसपास ही ऐसे बड़ा क्यूट सा मार्केट खुला यार एक फेब्रवरी टेबल फेब्रवरी खत्म होने के बाद लगाए क्या क्या हुआ मिल गए काउंटर पर है वेल डन अलार्म लगा लियो अब याद से ठीक है कुछ याद करने की जरूरत तो नहीं है बता दियो चल 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 आ जा तू चल 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 तुषार रेडी हो गया सर वेलकम के लिए हाँ चल भाई तू ऊपर पहुंच मैं सामान लेके आ रहा हूँ ठीक है बाय देख अरे बहन तेरे चश्मा कहाँ है कहाँ चश्मा हाँ गुड गुड चल भाई यहाँ पर तैयारी हो रही है अब मैं भी रेडी हो जाती हूँ टडा मैं हो गई रेडी हाय आपको पता है आज बहुत जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं ठीक है तो क्या लखन का भी वेट हो रहा है उन दोनों का भी वेट हो रहा है हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि दीदी का व्लॉग आने वाला है यस तो गाइस घर में तैयारी हो गई मैं और दीदी सारा सामान लेके आ गए पुणे दीदी को लेने चल रहे हैं आजा भाई मैं और पुणे लेने चल रहे हैं वो ज्यादा ड्रामे दिखा रही है कि मेरे को काम है ये है वो है तुम अपना कर लो बट नहीं चल ए सुस्ती चल मुझे कदम रखा है सो गाइस सब तैयारी हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हो वेलकम लिखवा दिया फूलों से और बहुत सारा डेकोरेशन हुआ है अब बस दूल्हा दुल्हन आने वाली है किसने अपना दिमाग लगाया है नहीं तो बलून्स के बाद पता है ये नहीं रखने चाहिए जो वो चलती है ना वैसी वाली वीडियो आ जाती है कि फोन साइड में रख के बस सोना ब्लास्ट हो जाता है उन पर सबसे ज्यादा कोई यकीन करता हो यही है ऊपर वाली पॉकेट में नहीं रखना दिल के पास हार्ट अटैक आ जाएगा तुझे बताती हूँ अरे हम प्लेट रेडी कर रहे हैं प्लेट टाइमिंग रेडी है अब सुधीर की भी एंट्री जल्दी होगी ऐसे सुधीर आएगा जब भाई लेके आएगा जब भी तो होगी है भाई तो यहाँ वेलकम करेगी ना अरे आओ तीनों तो भाई तीनों कौन है तुम तीनों अच्छा। तुम तीन नहीं हो अच्छा तुम तो दो हो ना चार तो भाई उनका वेलकम करेंगे हमारे घर की तीनों कन्याएं मैं उनको बाहर से ले आता हूँ पहले हाय वैष्णवी हाउ आर यू कैसा है क्या बोलते हैं नहीं नहीं क्या मराठी में बोलिए खूब छान खूब छान और वैसे वैष्णवी को साड़ी में पहली बार देख रहा उससे नजर नहीं हट रही हाँ भाई आ जाए क्या आओ गाइस आओ आ जाओ 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 अरे यार नहीं नहीं पूछना सब बुझा दिया ये गया कहाँ अबे यार भाई इसको ले चल पुलिस इसको इसको गोद में ले जा वैष्णवी ये आया दूसरा भी आया भाई इनको ले जाओ चल आ जा आ जा चलो 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 अरे इसे ले जा भाई इसे ले जा चले पूछी चलो 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 अरे आओ भाई आओ इसको ले जाओ पूनम में ओके कोई नहीं आ जाओ आ जाओ वैष्णवी आ जाओ भाई वेल अबे तालियां तो बजाओ ए क्या कर रहे ये इधर ही रुकना हाँ ठीक है वेलकम वेलकम करो वेलकम करो वेलकम करो सही खड़े हाँ सही खड़े कौन सही खड़े तुषार भैया पीछे हट जाओ
रोहित की तो मिठाई बना इधर आ जाओ रोहित की मिठाई बना वेलकम आई वांट टू गेट टू राइट नाउ पूरा खाना मैं खा लूं उसको मोटा होने का डर नहीं चलो आ जाओ अरे सदा सुहागन रहो भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे दोनों को खुशहाल रहना ठीक है भैया दो के चार घंटा फिर सुधर जा यार तुम ये किस लिए था क्या कर दिया तो ये तुमने जिंदगी में कभी फोड़े हो ये इसमें था क्या खराब कर दिया देखो तुषार ने कभी आज तक ये काम ठीक नहीं करा तुषार इस काम की ट्रेनिंग ले भाई तू हमेशा एक ही काम कैसे खराब कर सकता है देख देखो ये देख वो नहीं भैया तो शादी में आते हो तो मशीन में डालते हो पूल पे ऐसे उड़ते हो उनके साथ ट्रेनिंग ली है चलो आ जाओ भाई रोहित किधर भागा दौड़ी कर रहे हो बैठो भाई बैठो 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 अच्छा वैष्णवी ये तुम लोगों का भतीजा है हाँ, पता है ना हाँ। बड़ा वाला वो छोटा वाला पीछे देख और अरे तो वो प्यार ना करे क्या हाँ और ये वाला जो है ना ये सबसे लाडला वाला है ठीक है इसको तो बस पार पार करनी है और इसको कभी भी डांटना भी नहीं है ये आ गया तुझे क्या हुआ है इतनी पास से ना इधर ये ना एकदम डर जाती है मैं बहुत पास से रहता हूँ इसका ब्लॉग कहती है इसका मोटा मुँह आता है इधर देखा सबसे पतला मुँह है बैठो बैठो अपने घर समझो बैठो बैठो ओ इसको हाँ वो कह रहा है ये शांत क्यों बैठ गया नहीं इसको ना ये चाहिए नीतू खाना लगवा दें या पहले जो नहीं पहले खाना उसके एंड में नहीं पहले पहले वो कर देते हैं फिर खाना ठीक है वो तू समझेगा अभी क्या होता है आज अभी आजा कंजिया हाँ पूरा मैन क्या कह रही है पहले वो मुझे भी नहीं पता क्या क्या हुआ वो हाँ वो आएगा पहले ठीक है अरे 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 वाह वाह जेब भी नहीं है बेचारी पकड़ी जाती है बहन इसीलिए चेहरे पिंपल हो रहे हैं ये जो तुम खा रही हो अब टाइम है दोनों के गिफ्ट का मैंने बोला खाने के बाद देंगे लेकिन लखन का पहले पहले देंगे क्योंकि ये यही है वो प्लीज गिफ्ट आओ एक एक करके ले लो चलो भाई सबकी तरफ से कुछ ना कुछ है चलो पहले हम अपनी वैशु को देंगे क्योंकि वो हमारी फैमिली में पहली बार आई है पहले को गिफ्ट दे रहा है पहले मैं दूं बेबी तो ये है वैष्णवी के लिए सूट तुम गए थे ना शॉपिंग करने ये भी तो थी पसंद इसने करी सब ओके वैष्णवी अगर अच्छा लगे तो तुम्हें पता थैंक यू किसको कहना है और अगर अच्छा नहीं लगे तो उसने खरीदवाना खड़े हो जाओ खड़े जाओ और ले तो जाओ मेरे पास जमा होगा ये लो कल तुम पहन कर आना इन सूटों को ठीक है सबकी तरफ से ठीक है नहीं ये पूनम की तरफ से है झूठ बोल रही है और इसको खोल के देख लो एक्चुअली इसने हमें पैसे दिए थे लाने के लिए ये खुद नहीं गई था सबने कुछ ना कुछ मंगवाया सूती नहीं मैं और मेरे से करे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है ओए होए देखो मेरा फेवरेट कलर वाइट है वाइट है तो वाइट में पैसे उसके पसंद किसकी है किसकी अच्छी पसंद है यार फैशनेबल लड़की है वाओ मुझे उम्मीद है मेरे पैसे ना ब्लैक है मतलब वो ऑल ब्लैक है लेकिन ये वाले कुछ बहुत डिफरेंट लगे बिल्कुल नए आए वाले लेटेस्ट भी बना रही है अच्छे नहीं है हाँ ये मजाक बना रहे हैं मेरे गिफ्ट का यार उसको आ जाएगा भाई साइज चेक कर लियो और अभी इसको फाड़ वाड़ मत दियो क्योंकि अगर साइज ठीक नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा है ना तेरे साइज का आ जाएगा नहीं देख के तो लग रहा है आ जाएगा देख के तो भाई तू पहन के देखियो ऊपर ठीक है अब निटारा की तरफ से कुछ है अगर तुम्हें गिफ्ट नहीं पसंद है कुछ खरीद लेना इसमें मिठाई है अरे नहीं इसमें खोलना इसमें वो मिठाई है जो अंडर टेबल चलती है ना इंडिया में बहुत जगह हां ये वाली मिठाई है इसमें सर कुछ मिठाई पानी बैठ जाओ बैठ जाओ चलो चलो ओए वीडियो वीडियो बंद होते सब वापस ले लेना आप सबको थैंक यू सो मच इतना अच्छा वेलकम करने के लिए अरे भाई थैंक यू बस मुझे ही बोलना तुम अभी मैं बताती हूँ वैष्णवी की मम्मी का फोन आया था शायद परसों
परसों फोन आया था वैष्णवी की मम्मी का और मैं पहचान नहीं पाई, मुझे लगा रोहित की मम्मी, बिल्कुल सेम आवाज कहती है कि मुझे पता है, मतलब मैंने बोला भी नहीं कुछ भी, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी भगवान के पास गई है। भाई राम घर है ये, मैं कहता हूं ऐसे मत बोलो प्लीज, मतलब मैंने ऐसे बोला ऐसे मत बोलो, वो अच्छी है, सब अच्छा है, मतलब वो रोने लगी फिर फोन पर, मुझे इतना बुरा लगा। नहीं, इस घर के मालिक है श्री राम, उनके वजह से हम सब लोग चलते हैं, हम सब लोग खाते हैं, सब उनकी वजह से। ठीक है गाइस, अब तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल खाना है। अच्छा, उसके लिए पहले बनाना पड़ेगा, किचन में बनाओ। इसकी पहले रसोई हुई अरे हम कराएंगे, कराएंगे लेकिन पहले से मैगी मत बना दियो, ब्रेड से के मैगी बना दियो। मैं कुछ कुछ अपने उधर का मैं तुमने बोला ब्रेड से के मैगी, ब्रेड के साथ खाएंगे मैगी, भाई वो मैगी बना दिया ब्रेड से एकदम, मैं कह रहा हूँ अच्छा सा बनाना। ठीक है आप गाइस यार, तुम लोग भी आओ, विशेष तो दो यार, हम तो ये सोच रहे हैं हम भी। अबे अब वो भाई भाभी बन गए, तुमने आशीर्वाद तक नहीं लिया भाई, मैं तो इसे क्यों बे, मैं सोच रहा हूँ शादी करनी है तुमसे। मैं ये कह रहा हूँ तेरी भाभी, तूने भाभी का आशीर्वाद लिया अपनी का? बहुत ही यार तो भाई जल्दी शादी, हाँ चलो 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 तुम भी ले लो तुषार। तुषार दिया था दे दे। आज कोने तक एक शादी में जा रहा है। ओ हाँ, मेरे को शादी में भी तो जाना, बाय बाय मैं जा रहा हूँ। अरे कुछ खा के तो चले जाओ। मां खाने ही जा रहा है ये, टेंशन मत ले, घर का राशन क्यों खत्म करा दिया, तो खाया नहीं है उसने, मुझे गोलियों से है। हाँ भाई वहीं खा के ये, हाँ पिंडी मत ले आओ भाई, ओ इसको शादी में जा रहा है, एक पिंडी भी नहीं दे दे। मैंने दी थी, मेरी पसंद थी, झूठ लेकिन सेलेक्ट मैंने करी थी, ऐसे लेकिन हाँ तुम वहां तक लेके तुषार गया था। अरे मैं कह रहा हूँ सब अपना अपना नाम ले रहे हो, क्रेडिट लेते रहो सब अपना अपना। भाई शादी में जा रहा है ना नीतू, नीतू वो शादी में उसको पिन्नी दे दे जल्दी से, गुलाब जामुन। चलो चलो भाई एक काम करनी, तो खाने लगवा दिया, भूख लग दिया। तो गाइज आज इसके साथ एक और अच्छी चीज है, हमारी कंजी बहन का एक महीने बाद, सवा महीने बाद व्लॉग आने वाला है 10 बजे, उसके चैनल पे मिस मत करना बिल्कुल। और ये इतना स्पेशल है क्योंकि उसका Q&A व्लॉग है, जिसमें उसने बहुत सारे राज खोले हैं और अपने अपने से जुड़ी बहुत सारी चीजें बताई है, वो उसी की एडिटिंग होगी, आप देख सकते हैं। क्या कह रही है, हंस के रही थी वो भी, राज क्या खोले? अरे मतलब जो लोगों को तेरे बारे में पता नहीं है वो सब चीजें बताइए ना। और अपने बहुत सारे पुराने फोटो यहाँ पे है, मैं भी इसका सस्पेंस नहीं बिगाड़ना चाहता भाई। गुची ये सॉरी टैडी तो पागल हो गया, पागल बेटू क्या कर रहा है तू? तो भाई सबका खाना लग रहा है लेकिन हम सब नीचे ही बैठ के खाएंगे, बिकॉज हमें वही अच्छा लगता है, हमें सादगी से रहना पसंद है। वो वहाँ पे बैठ के खाते हैं हम सब लोग ऐसे। हाँ तो हम आज भी वैसे ही। ये क्या है? ये ब्रेड रोल्स है, अभी हमारा स्टार्टर आया है। जो ब्रेड नहीं तो आलू, आलू है। हाँ आलू रोल्स नहीं तो तू भी यार शादी के बाद क्या है? शादी के बाद क्या करना है तेरे को? क्या करना है? जल्दी जा, खाना मत खा ले। शादी का क्या फायदा है भाई? बस हाथ ऐसे पकड़ना है, प्लेट ऐसे पकड़नी है, उसकी हिंदी ऐसी है थोड़ी। एक तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? अच्छी हिंदी है। क्या तकलीफ है? तकलीफ कोई तकलीफ नहीं है। चलो भाई खाओ गाइस। इसका तो नाम भी नहीं पता मुझे। किसका? इसका अरे नहीं तो आलू का है यार, देखा सारी चीज घर पे बनी है। और आप लोग सोच सकते हो अब नीतू ने कितने अच्छे, अब तो इनको कुक नहीं, अब तो इनको शेफ ही कहना चाहिए जो हमारे घर पे है ना, सारे टॉप के। हाँ भाई जी लल चाय आना जाए, प्लेट ले लो जल्दी से, वो चेंज कर रहे नीचे बैठना है ना क्योंकि प्याज में बर्फ क्यों डाली है भाई। तो गाइस हम ऐसे बैठे जब अपनी टीम मीटिंग में बैठते हैं ना, हम लोग ऐसे ही यहाँ बैठ के, मतलब हर हफ्ते हमारी मीटिंग होती है टीम मीटिंग, सब लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं। क्या हो गया? कुछ नहीं। किसकी याद आ गई तुम्हें? अरे नहीं कुछ सोच रही हूं। तो मैंने अभी नीतू से पूछा कि रोटियां क्यों नहीं बनवाई, तो नीतू ने बताया तो सिर्फ स्टार्टर है अभी। भाई सही, अभी मतलब आराम से खाना, अभी खाना आने वाला है। क्या गुरु सबसे लेट? हाँ एक बंदा वैसे ही कम हो गया, पुनीत हमारे चला गया शादी में बुलंदशहर, हमारी कंजी बहन भी आ गई है। और सुनो अगले साल जिसकी शादी होगी वो यहाँ पे ऐसे बैठा होगा, ये दोनों नीचे बैठे होंगे। हाँ याद रखना ठीक है, वो कुर्सी वो है नए नवेलो जोड़ेगी, ठीक है रोटेशन होता रहेगा। अगले साल दीदी की हो जाएगी, दीदी यहाँ बैठेंगे। इनडायरेक्टली बोलती पूनम बहन। सैंडी भाई सबसे जल्दी तुम्हें ही है, नहीं नहीं ऐसा कुछ। तीसरा तुम ही हो जो ऊपर बैठा है।
जगह कम थी ये इतनी जगह ये री इधर भी है उधर भी है देखा झूठ भी नहीं बोलना आता यार भी खाली रहती है सैंडी। अच्छा सैंडी भाई के झूठ सबसे लुल देखे मैंने अभी तक इनके झूठ दो मिनट पकड़ में आते हैं हमेशा सुबह वाला हाँ और रोहित का कह रहा है कुर्सी भी खाली रखिए हाँ पार्टनर वाली रोहित का दिमाग चला शादी के बाद तो भाई अब टाइम आ गया हमारे मेन कोर्स खाने का इसमें है दाल तड़का और है मटर पनीर और है राइस और है हम लोग भाई मोमेंट ये वाला तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा दीदी का पहला काम है आज का और ये दूसरा काम है और अब दीदी थक गई है ठीक है अब कल काम के लिए बोलना उससे ये क्या है नीचे यार ये किसने गीला कराया है हाँ ले आओ भाई अरे मुझे लगा कुछ लेके आ रहा है यार सुधीर भाई क्या कर रहा है यार अरे यार इतने सारे का मैं क्या करूँगा एक काम का थोड़ा सा पैक कर लियो इसमें जो बच जाए कैसा है भाई खाना कैसा है ठीक है सिर्फ तारीफ करनी है ओके पूनमन इन दोनों को देखो ये तुम्हारे लिए नहीं बैठे खाने के लिए हाँ हलवा इन्हें पता चल गया ना बहन क्या लगा तेरे को अच्छा है ये तो तू कहीं रोटी के साथ अच्छा लगता है हमारा डिनर हो गया लेकिन अभी और भी कुछ प्रोग्राम है नीतू यहाँ पर गाने चला रही है सब लोग हम डांस करेंगे अरे देखो कहती है मैं इधर बैठ गई हूँ मुझे ठग ले जाएगा नीचे का अच्छा पहले पहले अकेले डांस करेगा फिर वैष्णवी को ले कुछ नहीं मैं कैसे डांस करूँगा हाँ, भाई करता तो है चला दिया चलो 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 भाई ये आज हम बैठेंगे ये लोग डांस करेंगे रोहित पुनीत यश जाओ हाँ अरे यश डांस करेगा करो 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 चलो भाई चलो स्टार्ट कर जाओ चलो भाई रिक्रिएट करो रिक्रिएट जल्दी चलो उठा के ले जा भाई सैंडी को क्यों ले रहा है वाओ अरे नीतू यार तुम मूवमेंट बिगाड़ रही हो करना स्टार्ट कर नीतू अच्छा यार हो गया फन हो गया गाइस लेकिन बहुत बहुत मजा आया भी हम और फन करेंगे लेकिन आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स कर देना और लाइक कर देना वैष्णवी और रोहित के लिए बाय बाय वैष्णवी बोल दे भाई लाइक करो सब लाइक करो सब्सक्राइब करो मराठी में सब कुछ करो मराठी बोल दे एक बार चैनल ला लाइक करा सब्सक्राइब करा शेयर करा मतलब प्रेम ना सगळो खूप काही ठीक है चल बाय कर दे बाय कर तेरा 10 बजे व्लॉग है बता दे 10 बजे मेरा भी व्लॉग है ये मन कर दे कहाँ ऐसे कर लेंस यस yes.